वेलकम बैक क्लास। हम थियोडोलाइट के बारे में पढ़ रहे थे। थियोडोलाइट में हमने उसका पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हमने उसके सारे पार्ट्स पढ़ लिए थे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसका यूज़ क्या है, साइज थियोडोलाइट का कैसे डिसाइड करते हैं, कितनी तरह का थियोडोलाइट होता है, कैसे हम बाइफर्केट करेंगे कि ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है, कैसे हम उसकी एक्यूरेसी या लीस्ट काउंट के हिसाब से हम डिफाइन करेंगे कि वर्नियर थियोडोलाइट क्या होता है, माइक्रोमीटर थियोडोलाइट क्या होता है, उसके बाद थियोडोलाइट का क्या बेसिकली यूज है, कैसे हम उससे हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हैं, और उसके बाद कैसे इंस्ट्रूमेंट का एक टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट करते हैं कि पहले सेंटरिंग किया, फिर लेवलिंग किया, फिर फोकसिंग करी। ये सारी चीजें हम इसके पहले की पीपीटी में भी पढ़ चुके थे, और मैंने एक लैब की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने थियोडोलाइट को रख करके बताने की कोशिश करी थी कि हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल कैसे मेजर कर सकते हैं, इसका वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है, फेस लेफ्ट और फेस राइट की रीडिंग कैसे लेते हैं, और उसमें मैंने रीडिंग्स में दिखाया था कि आखिर रीडिंग, पीपीटी में भी दिखाया था कि रीडिंग कैसे पढ़ते हैं, वर्नियर की रीडिंग कैसे पढ़ते हैं, कैसे मेन स्केल को पहले देखते हैं, फिर ऊपर से वर्नियर स्केल के बाद हम उसके लीस्ट काउंट पे अप टू द 10 सेकेंड या अप टू द 20 सेकेंड्स की रीडिंग को हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्नियर का लीस्ट काउंट, और जो नीचे लोअर प्लेट का डाया होता है उससे हम डिसाइड करते हैं कि थियोडोलाइट का साइज कितना है, थियोडोलाइट का साइज उससे डिसाइड करते हैं। तो अब तक हमने इसमें देख लिया कि थियोडोलाइट से बेसिकली हमें हॉरिजॉन्टल एंगल एज वेल एज वर्टिकल एंगल जो है हम उससे मेजर कर सकते हैं, ये इसका मेन फंक्शन है। और इसके डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स थे, नीचे ट्राइबाक से स्टार्ट करें तो नीचे ट्राइबाक, फिर देन लोअर प्लेट जिसपे इनग्रेव्ड होता है रीडिंग्स हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए, उसके ऊपर अपर प्लेट जो कि लोअर प्लेट के ऊपर मूव करेगी जिसके हिसाब से हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करेंगे, और अपर प्लेट पे ही वर्नियर स्केल होता है। उसके बाद वर्टिकल एक्सिस पे आपका टेलीस्कोप होगा, वो टेलीस्कोप अगर पूरा रिवॉल्व कर सकता है तो वो ट्रांजिट थियोडोलाइट होगा, अगर वो पूरा रिवॉल्व नहीं कर सकता तो वो नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट होगा। और उसी टेलीस्कोप के बगल में, या तो अगर फेस राइट की बात करें या फेस लेफ्ट की बात करें, एक तरफ वर्टिकल सर्कल दिया हुआ, और उस वर्टिकल सर्कल पे भी एंगल्स इनग्रेव्ड होंगे जिसके हिसाब से टेलीस्कोप को जब हम मूव कराएंगे तो टेलीस्कोप को मूव कराने पे उससे हम उसका वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हैं। वर्टिकल एक्सिस की बात करें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करें, या लाइन ऑफ कॉलिमेशन की बात करें, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप की बात करें, ये सारे एक्सिस एक इमेजिनरी एक्सिस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को मिलाने पर बनते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हमें बात समझना है कि टेलीस्कोप को वर्टिकल एक्सिस के अराउंड घुमाया जा रहा है या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड घुमाया जा रहा है, स्विंगिंग क्या चीज होती है। बाकी अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट में एक और जो पॉइंट था वो था क्लैंप स्क्रू। क्लैंप स्क्रू से हमें अगर किसी भी रोटेशन को बंद करना है तो हम क्लैंप स्क्रू को ट्राइट करते थे, और अगर अगर हमें बहुत ही माइन्यूट चेंजेस लाने हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टली चाहे वो वर्टिकली, तो उसके लिए हमारे पास टेंजेंट स्क्रू था। ठीक है, टेंजेंट स्क्रू को समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, लेकिन इतना चीज हम पढ़ चुके हैं। अब हमें इससे बेसिकली देखना है कि आखिर इसके वर्किंग मॉडल क्या है और कौन कौन से मेथड हैं एंगल मेजरमेंट के। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई थी आपका थियोडोलाइट सर्वेइंग, थियोडोलाइट कितने तरह के होते हैं, इनके पार्ट्स, ट्रांजिट, नॉन ट्रांजिट, एक्सिस वगैरह, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें हो चुकी थी, साइज हो चुका था, ये लेवलिंग हेड वगैरह ये भी मैंने बता दिया था, लेकिन चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। सेंटरिंग वगैरह, ट्रांजिटिंग वगैरह क्या होता है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सेंटरिंग मतलब अगर सेंटरिंग मतलब कि अगर आपका ग्राउंड में कहीं पर भी एक पॉइंट है, ग्राउंड में सपोज करिए आपका एक पॉइंट है जहां पे आपने एरो या पेग लगाया हुआ है, जिस एक एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर अगर अगर आपको इंस्ट्रूमेंट सेट करना है तो आपको क्या करना है कि एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर आप क्या है प्लम्बॉब को सेट करेंगे, आपको क्या करना है ट्राइपॉड को इस तरह से सेट करना है इंस्ट्रूमेंट के कि इंस्ट्रूमेंट के नीचे जो लटका हुआ हुक होगा उस हुक से अगर हम प्लम्बॉब यानी साहुल को लटकाएं
तो प्लम बॉब जो लट्टू है, लट्टू का जो एज वाला पॉइंट है, वो एज वाला पॉइंट एग्जैक्टली उस एरो के ऊपर हो। तो एग्जैक्टली जो हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट है उसी एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर सेंटर हो जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी एक जो पॉइंट है, उस पॉइंट से जहां से हमें रीडिंग लेनी है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट सेट करना ही सेंटरिंग कहलाता है। बात समझ में आ गई? अगर आप इसको डिफिनेशन के फॉर्म में पढ़ें तो सेंटरिंग मीन्स सेटिंग द थियोडोलाइट एग्जैक्टली ओवर एन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन सो दैट इट्स वर्टिकल एक्सिस लाइज इमीडिएटली अबव द स्टेशन मार्क। अंडरस्टूड? यही वो चीज कह रहा है कि अगर हमारा कोई स्टेशन मार्क है, सपोज करो हमने क्रॉस लगा दिया, क्रॉस पे जो बीच में एक पॉइंट आया, वो एक पॉइंट है जिसके एग्जैक्टली ऊपर हमें अगर इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है, तो एग्जैक्टली ऊपर अगर हम इसको इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है को जो करना का प्रोसीजर है, दैट इज नोन एज सेंटरिंग। तो हमें क्या करना है, थ्योडोलाइट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सेट करेंगे, उसके नीचे वाले हुक जो बिल्कुल उसके सेंटर पे होगा, यानी उसके वर्टिकल एक्सिस के अलाइन करना, यानी ग्राउंड का पॉइंट, ट्राइपॉड के बीच का पॉइंट और इंस्ट्रूमेंट के बीच का पॉइंट, अगर ये तीनों एक लाइन में हो तो हम बोलेंगे कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट हमारा सेंटर है। या फिर दूसरे डेफिनेशन में जो हमारा वर्टिकल इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस होगा वो एक लाइन में हो, यानी इंस्ट्रूमेंट का बीच का सेंटर का पॉइंट, ट्राइपॉड के बीच का सेंटर का पॉइंट और हमारा एट द एंड जो स्टेशन मार्क है, वो सभी अगर एक लाइन में, अगर ऊपर से एक लेजर लाइट ऑन की जाए तो वो सभी एक ही लेजर लाइट की एक ही रेज में दिखाई दें, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कंप्लीटली सेंटर्ड। और यहाँ पे हम इसके पहले प्लम्बॉब यानी साहुल का इस्तेमाल करते थे। अब जितने भी नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, जैसे कि टोटल स्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, इन सब में क्या होता है, बीच में थियोडोलाइट के सेंटर लेजर लाइट लगी होती है और उस लेजर लाइट से हमें एग्जैक्टली उसी स्टेशन मार्क को, स्टेशन मार्क का जो क्रॉस है या जो पॉइंट है उसके जस्ट ऊपर उस लेजर लाइट को सेट करके इंस्ट्रूमेंट को सेंट करना होता है। तो और भी ज्यादा आसान हो गया है सेंटरिंग करना नए वाले इंस्ट्रूमेंट में। इसके पहले जब तक हम लेजर लाइट का यूज नहीं कर रहे थे तो हम नॉर्मली प्लमेट, ऑप्टिकल प्लमेट, ऑप्टिकल प्लमेट यानी वो पॉइंट अगर हम ऊपर से आंखों को से देखें तो हमें नीचे ग्राउंड का जो पॉइंट दिखता है वो ऑप्टिकल प्लमेट की मदद से देखते हैं। तो हम देखेंगे कि जहां हमने एरो लगाया हुआ है और उसके ऊपर जस्ट प्लम्बॉब लटक रहा है, वो दोनों एक ही लाइन में है कि नहीं, ये हम ऑप्टिकल प्लमेट की मदद से देखते हैं। तो इस तरह से हम सेंटरिंग करते हैं। और भी इंस्ट्रूमेंट को आपने सेंटरिंग किया हुआ है तो सेंटरिंग पे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही सेंटरिंग करना जानते हैं। ऑटो लेवल आपने यूज किया हुआ है इसके पहले, ऑटो लेवल में को भी आपने सेंटरिंग किया है, हर एक इंस्ट्रूमेंट को आपने सेंटरिंग किया हुआ है। जो टर्म्स थोड़े अलग है वो यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे ट्रांजिटिंग कुछ भी नहीं है, ट्रांजिटिंग को ही प्लंजिंग भी बोलते हैं या रिवर्सिंग भी बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ टेलीस्कोप को 180 डिग्री टर्न करना ही ट्रांजिटिंग कहलाता है, चाहे प्लंजिंग कहलाता है या रिवर्सिंग कहलाता है। ये डेफिनेशन में चाहे तो आप देख लीजिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब जैसे मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पे बोल रहा हूँ तो आपको तुरंत इमेजिन होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कौन सा। अगर ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है तो ऊपर नीचे और ये एक लाइन को मिला, ये तो वर्टिकल एक्सिस हुआ, और जो टेलीस्कोप के बीच वाला पार्ट मैंने उस वक्त जो वीडियो बनाई थी उसमें भी दिखाया था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा होगा। तो ये इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड अगर हमको टेलीस्कोप को 180 डिग्री रिवॉल्व करना है, यानी अगर उसका इधर देखने वाला आई पीस हमारी आंखों की तरफ है और लेंस वाला पार्ट उधर है, तो इसको जस्ट 180 डिग्री घुमा दें, यानी आई पीस जो है उधर चला गया और हमें इधर से लेंस दिखाई देने लगे एग्जैक्टली, तो ये क्या हो जाएगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांजिटिंग। क्यों करते हैं अभी बता रहा हूं। तो यानी कि जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप को अगर हम 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू रिवॉल्व कर दें तो इसी को ट्रांजिटिंग बोलेंगे, प्लंजिंग बोलेंगे या रिवर्सिंग बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक इसमें और टर्म आता है स्विंगिंग। स्विंगिंग कहने का मतलब है इसका थोड़ा सा अपोजिट, कि इट्स मीन टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट इट वर्टिकल एक्सिस इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो इसके पहले अगर तुम समझ को सपोज करो, ये इसमें पेन का ऑप्शन कहाँ से आता है, पीपीटी में नहीं था, कोई बात नहीं,
यहाँ पे देखो, अगर एक सीधी लाइन है इस तरह से वाई एक्सिस के अराउंड एक लाइन है और इसको तुम 3D में रोटेट कराओ, तो वो क्या हो गया, वो तुम्हारा हो गया रिवर्सिंग या ट्रांजिटिंग। स्विंगिंग कहने का मतलब तुम्हें हॉरिजॉन्टल एंगल की तरफ से मोड़ना है, टेलीस्कोप को इस तरफ डायरेक्शन में मोड़ना है इधर की ओर, इसी को बोलेंगे स्विंगिंग। तो आखिर ये स्विंगिंग और ट्रांजिटिंग हम क्यों करते हैं, जो मैंने इंस्ट्रूमेंट उस दिन यूज कराया था वो तुम्हारे दिमाग में चलते रहना चाहिए, तभी ये सारी बातें तुम्हें समझ में आएंगी। तो मैंने बताया था कि अगर आपका टेलीस्कोप के लेफ्ट साइड में वो जो सर्कल है जिसपे हमें रीडिंग लेनी है, वो वर्टिकल सर्कल अगर आपके लेफ्ट साइड में है तो उसे बोलते हैं फेस लेफ्ट रीडिंग, और अगर वो राइट साइड में है तो वो बोलेंगे फेस राइट रीडिंग। तो देखो, जैसे अगर मैं बात करूं, एक पूरा सर्कल है, ये पूरे सर्कल में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। अगर हमको किसी चीज की एक्यूरेसी चेक करनी हो, सपोज करो अगर हमने यहाँ से यहाँ एक 45 डिग्री का एंगल है, तो अगर यहाँ से यहाँ का 45 डिग्री का एंगल है, अगर हमने टेलीस्कोप सपोज करो पहले यहाँ 0 पे सेट किया था और उसके बाद इसको 45 डिग्री एंगल पे टर्न कर दिया, ये 45 डिग्री एक लाइन हो गई, तो इसके अपोजिट में कितना एंगल होगा, यानी 360 माइनस 45 यानी इसका 315 डिग्री। 315 डिग्री एग्जैक्टली पीछे का एंगल भी होना चाहिए। अगर ये हम इसको घुमा करके देखें और ये 315 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है, इसका मतलब हमारे एंगल में एरर है। तो हम क्या करते हैं, जब ये थ्यूडोलाइट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है कंप्लीटली हॉरिजॉन्टली रिवॉल्व कर सकता है, वर्टिकली भी रिवॉल्व कर सकता है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांजिट वर्नियर थ्यूडोलाइट की, तो क्यों ना हम अपनी एक्यूरेसी चेक कर लें। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले जब वर्टिकल सर्कल है सपोज करो वो हमारे राइट में था, तो हमने एक फेस राइट की रीडिंग ले ली, कोई एक एंगल मान लो 45 डिग्री 15 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ऐसी एक रीडिंग हमने ले ली जो कि हमारे फेस राइट से रीडिंग थी। तो अगर हम इसको पलट करके फेस लेफ्ट की रीडिंग भी ले लें, तो ये एग्जैक्टली इसके अपोजिट यानी 360 डिग्री माइनस में आना चाहिए, या 180 डिग्री के अराउंड से अगर देखें तो उस हिसाब से आना चाहिए। अगर वो एग्जैक्टली उतना आता है तो हमारा क्या है, वो रीडिंग बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब, अगर हम किसी एक ही पॉइंट का पहले फेस लेफ्ट से भी रीडिंग ले लें और फेस राइट से भी रीडिंग ले लें और उसके बाद उसका मीन निकाल दें, तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो जब हमें फेस राइट या फेस लेफ्ट करना होगा, तो इस बात को समझना कि जब आपने सिर्फ टेलीस्कोप को पहले घुमाया किधर की तरफ, रिवर्सिंग करी, यानी सपोज करो टेलीस्कोप का लेंस वाला पार्ट उधर था जिधर हमको देखना है और हम आई पीस की तरफ से देख रहे थे, टेलीस्कोप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 0-0 एंगल पे सेट है, ठीक है, और सामने बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी ही हाइट पर कोई एक रेंजिंग रॉड या कोई एक ऑब्स्टेकल या फिर कोई भी एक चीज है जिसको हमें देखना है, और वर्टिकल सर्कल हमारे राइट साइड में है, तो हम इस वक्त कौन सी रीडिंग ले रहे हैं, हम फेस राइट की रीडिंग ले रहे हैं। और अगर हमको इसमें और एक्यूरेसी चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने उसी टेलीस्कोप को 180 डिग्री मोड़ेंगे, किसके अराउंड, वर्टिकल प्लेन के अलाउंड। अगर हम उसको इसको ये इमेजिन करना, जब हम उसको 180 डिग्री मोड़ेंगे तो जो हमारा आई पीस था जिधर से हम ऑब्स्टेकल का डायरेक्शन अभी हम रीडिंग ले पाएंगे नहीं, अब हम उसी अपने थ्योडोलाइट को 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल प्लेन के अराउंड, जैसे हमें हॉरिजॉन्टल एंगल लेना होता था ना, उस अराउंड अगर हम उसको रोटेट करा दें, तो वापस से वो जो हमारा आई वाला आई पीस वाला पार्ट था जिससे हमें लेंस के थ्रू देखना था, वो वापस से घूम के हमारी तरफ आ जाएगा। लेकिन इस बार जो वर्टिकल सर्कल हमारे राइट साइड था वो लेफ्ट में आ गया और हम वापस से उसकी रीडिंग ले लेंगे। जब हम वापस से उसकी रीडिंग ले लेंगे तो हमारा दो रीडिंग की वजह से हमारी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। तो किसी भी चीज की रीडिंग आप थ्योडोलाइट से फेस लेफ्ट करके लेते हैं एंड फेस राइट करके लेते हैं। फेस लेफ्ट कहने का मतलब कि वो जो थ्योडो टेलीस्कोप के जस्ट बगल में जो वर्टिकल सर्कल है वो लेफ्ट साइड में है हमारे, और अगर हमारे वो राइट साइड में है तो उसको बोलेंगे राइट साइड रीडिंग। जो टेलीस्कोप को हम घुमाए 180 डिग्री, जिससे लेंस जो है हमारे आंखों की तरफ से दूसरी तरफ चला गया, जब इस डायरेक्शन में घुमाए, तो
ये क्या हो गया, इसको बोले रिवर्सिंग या ट्रांजिटिंग। और जब हम उसको हॉरिजॉन्टल एंगल में घुमाए, जिससे कि हमारा वर्टिकल सर्कल जो था या जो राइट साइड से हमारे लेफ्ट साइड में चला गया, इस तरह से घुमाए, तो वो उसको क्या बोलेंगे, स्विंगिंग। पीपीटी से समझाना इसको बहुत ही मुश्किल है, ये डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से समझने वाली बात है, लेकिन अगर आपने इंस्ट्रूमेंट मैंने पीपीटी में दिखा भी दिया था, प्लस एक 10-15 मिनट का वीडियो मैंने बना के दिखाया था, तो उससे तुम्हें अब इमेजिन करना है, नहीं इमेजिन कर पाओगे तो समझने में काफी मुश्किल होगी, क्योंकि हर बार वो इंस्ट्रूमेंट में यहाँ रोटेट करा के नहीं दिखा सकता पीपीटी में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि टर्म्स यूज इन द मैनिपुलेटिंग ए ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट। ये वही चीज कह रहा है, फेस लेफ्ट। देखो, इफ द वर्टिकल सर्कल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जर्वर वाइल टेकिंग अ रीडिंग, द पोजिशन इज कॉल्ड द फेस लेफ्ट एंड द ऑब्जर्वेशन टेकन ऑन अ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कल इन दिस पोजिशन इज नोन एज द फेस लेफ्ट। हाँ, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, वो वही चीज कह रहा है, मतलब उसको फेस लेफ्ट कह रहे हैं, और जो जो ऑब्जर्वेशन हमने लिया उसको फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं। ये चीज वो फेस राइट के बारे में बताएगा कि बस वो वर्टिकल सर्कल हमारे फेस राइट में आ गया। एक सेकंड में काम करता हूँ, तुम्हें थोड़ा सा थियोडोलाइट दिखा देता हूँ वापस से, पता नहीं तुमने वो वीडियोस वगैरह देखे हैं कि नहीं, इसमें तुम देख लो, शायद तुम्हें और क्लियर हो जाए, क्योंकि देखो मेरे दिमाग में तो इमेजिनेशन चल रही है, तुम्हें एग्जैक्टली थियोडोलाइट जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके लिए तुम्हें दिखाना जरूरी ही है, हालांकि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझ में आ जानी चाहिए थी। जैसे देखो, अगर सपोज करो तुम यहाँ पे खड़े हो, तो ये तुम्हारा ये जो वर्टिकल सर्कल है, ये वर्टिकल सर्कल किधर की ओर है, तुम्हारे राइट साइड की ओर है। तो इस वक्त जो यहाँ पे मान लो तुम कोई चीज देख रहे हो, मान लो तुमने अंतरिक्ष में ये तुम्हें एम दिखाई दे रहा है, स्पेस में तुम्हें ये एम दिखाई दे रहा है, तो इस वक्त जो भी ये एम दिखाई दे रहा है तुम यहाँ पे खड़े होके देख रहे हो, तो इस वक्त तुमने जो रीडिंग ली वो कौन सी रीडिंग हो गई, वो हो गई फेस राइट रीडिंग। अब ये जो टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप को एग्जैक्टली तुम 180 डिग्री घुमा दो, ऐसा कि ये जो आई लेंस है ये इधर की ओर चला जाए और ये तुम्हारी ओर आंखों की तरफ आ जाए, ये वाला लेंस वाला पार्ट, मतलब ये ग्लास वाला पार्ट और ये आई आई पीस वाला पार्ट इधर चला जाए, ये इधर आ जाए। अगर तुमने इसको जस्ट 180 डिग्री ऐसे घुमाया, तो ये इसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिंग या ट्रांजिटिंग। और यहाँ के अराउंड ये जो लोअर प्लेट है ये फिक्स है, अपर प्लेट को लूज करके तुमने ऐसा घुमाया कि ये वर्टिकल सर्कल इस बार तुम्हारे लेफ्ट साइड में इधर आ जाए, मतलब जस्ट इसके इधर अपोजिट में आ जाए, और जब ये लेफ्ट साइड में घूमेगा तो वापस से आई तुम्हारा ये जो आई पीस वाला पार्ट है जहां से तुम्हें देखना है, वो वापस से घूम के तुम्हारी आंखों की तरफ आ जाएगा। तो जो इधर ऐसे घुमाए इसी को बोलेंगे स्विंगिंग, और ये कंप्लीट जो रोटेशन हमने किया, मतलब एक रिवर्सिंग एंड देन स्विंगिंग, को बोलेंगे फेस राइट से फेस लेफ्ट करना इंस्ट्रूमेंट को, ठीक। चेंजिंग द फेस तो हो ही गया, कि इट इज द ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग द वर्टिकल सर्कल टू द राइट ऑफ द ऑब्जर्वर इफ ओरिजिनली इट इज टू द लेफ्ट, अगर मतलब वो पहले से लेफ्ट राइट में है उसको लेफ्ट में करना, या फिर अगर वो लेफ्ट में है तो उसे राइट में करना, वही इसको चेंजिंग द फेस बोला जाता है। ये सब पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप में अंतर पहले समझो। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट ग्लास है उसका कहीं एक जगह पे सेंटर होगा, और जो तुम आंखों पे भी जहां पे एक लेंस लगा हुआ है उसका भी एक सेंटर होगा, तो इन दोनों के सेंटर को एक इमेजिनरी लाइन से मिलाओ, यानी टेलीस्कोप को में जो जहां से आप देख रहे हैं वहां पे एक लेंस लगा हुआ है, और जो उसका ऑब्जेक्ट ग्लास है वहां पे भी, और बीच में भी हो सकता है कई जगह लेंस लगा हो, तभी यहाँ पे जब तुम डायफ्राम को
मूव कराते हो तो जो चीजें हैं वो बड़ी या छोटी या पास या दूर दिखाई देती हैं। अभी हमें उसकी बात नहीं करनी है। यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट ग्लास है उसका कोई सेंटर होगा और जो आई पीस है उसका एक सेंटर होगा, यानी इस पूरे टेलीस्कोप के जस्ट बीच से अगर कोई एक लाइन हम क्रॉस कराएं जो एक्सिस होगी उसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। यहाँ पे हम जिस चीज को देख रहे हैं उसकी कोई बात नहीं करी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ टेलीस्कोप की बात करी गई है। टेलीस्कोप मतलब यहाँ पे जो लेंस लगा है उसका सेंटर और यहाँ पे जो लेंस लगा है उसका सेंटर, दोनों को किसी इमेजिनरी लाइन से मिला दिए तो वो हो गया एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। लेकिन अब लाइन ऑफ कॉलिमेशन को समझो। लाइन ऑफ कॉलिमेशन में जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई सपोज करो कोई चीज देख रहे हो जो वहां से आपने देखा, वो प्लस आपके जो आई पीस का जो आई पीस है जहां से आप देख रहे हो वहां का सेंटर, वो जो लाइन इमेजिनरी मिलेगी उसको बोलेंगे लाइन ऑफ कॉलिमेशन। जैसे सपोज करो यहाँ एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ एक पेड़ है और पेड़ का ये अबव पार्ट है, तो ये पेड़ से तुम्हारे आंख तक के बीच की जो इमेजिनरी लाइन है, जो रेज है, जिस रेज के थ्रू तुम उस पेड़ को देख रहे हो भले ही वो बीच में तुम्हारा टेलीस्कोप आ गया, तो ये जो एक लाइन है जिसको एक इमेजिनरी लाइन बोलोगे तो ये इस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ कॉलिमेशन। यहाँ ऑब्जेक्ट से लेना देना है, पिछली बार सिर्फ टेलीस्कोप की बात थी। तो अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द लाइन ऑफ साइट। देखो मैंने बताया था जो लाइन ऑफ साइट है हमारा, जैसे मान लो हम कुतुब मीनार के एकदम हाइट वाले सबसे टॉप पॉइंट को देख रहे हैं, तो हमारी आंख और जो कुतुब मीनार का टॉप पॉइंट है जो वो कोई एक इमेजिनरी रेस से मिलती हुई दिखाई देगी, वो क्या हो गई लाइन ऑफ साइट या फिर लाइन ऑफ कॉलिमेशन। सपोज करो एक छोटा सा दूरबीन है तुम्हारे हाथ का, छोटा सा दूरबीन, उस दूरबीन से तुम कुतुब मीनार के ऊपर के एज वाले पॉइंट को देख रहे हो, तो तुम्हारे कुतुब मीनार पे जहां पे तुम अपनी आंख रखी हुई है उस दूरबीन में, वो एक पॉइंट और जो कुतुब मीनार का टॉप का पॉइंट है जहां पे तुम्हें देखना है उसको अगर एक इमेजिनरी लाइन से मिलाओ तो वो होगा तुम्हारा लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन। जबकि टेलीस्कोप का एक्सिस क्या था कि जो तुम्हारी आपकी दूरबीन है जिधर से आप आंख रखे हुए हैं उसका एक कोई सेंटर होगा और जहां उसकी दूसरी तरफ जो फोकसिंग के लिए ऑब्जेक्ट ग्लास लगा होगा उसका एक सेंटर होगा, उस एक्सिस को मिला दो तो वो होगा एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। यानी एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप जो है वो टेलीस्कोप कैसे रखा हुआ है इस पर डिपेंड करता है, जबकि लाइन ऑफ कॉलिमेशन ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, इस पर डिपेंड करता है, और दोनों ही एक इमेजिनरी लाइन है। तो इट इज एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर ऑफ द डायफ्राम टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड इट्स कंटिन्यूएशन। इट्स कंटिन्यूएशन कहने का मतलब भाई ये देखो यहाँ पे क्रॉस हेयर्स बन रहे होंगे, यानी वो जो क्रॉस पॉइंट जिससे आप एग्जैक्टली साइट करोगे कि हाँ यहीं पे एग्जैक्टली वो पॉइंट है। जैसे एक पेड़ को देखना और पेड़ में अगर हमने क्रॉस बना दिया और उस क्रॉस के सेंटर को देखना, तो उस सेंटर को जो देखेंगे एंड इट्स कंटिन्यूएशन का कहने का मतलब उस सेंटर को हम अपने इस डायाफ्राम के क्रॉस हेयर वाले पॉइंट से मिला देंगे। यानी अगर हम इधर से देख रहे हैं सपोज करो और हमारे यहाँ वाले ग्लास पे एक क्रॉस यानी प्लस का साइन बना हुआ है, तो ये जो प्लस का साइन का जो मिड पॉइंट होगा जहां पे दोनों लाइनें मिल रही हैं वो लाइन वो पॉइंट, और अगर हम आगे एक पेड़ है और उस पे भी एक प्लस बना के आए हैं उसके बीच का पॉइंट जहां दोनों लाइनें मिल रही हैं, अगर ये वाले पॉइंट अगर हम इससे देखें तो अगर हमें पेड़ वाला प्लस का पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है और हमें इस अपने क्रॉस हेयर का ही पॉइंट दिखाई दे रहा है तो एग्जैक्टली हम उस पॉइंट को साइट अप कर चुके हैं, क्योंकि अगर जरा सा भी इधर उधर होगा तो हमको दोनों अलग अलग पॉइंट दिखाई देंगे। पेड़ का पॉइंट वहां पे अलग दिखाई देगा और हमारे जो ऑब्जेक्ट ग्लास पे क्रॉस हेयर्स बने हुए हैं जो पेंट करके बना हुआ है वो अलग दिखाई देगा। दोनों अगर एक लाइन में है तो सिर्फ हमें पहली वाली चीज दिखाई देगी। ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर हम किसी एक लाइन में 10 खंभे खड़े कर दें या फिर 10 रेंजिंग रॉड खड़े कर दें, अगर वो 10 रेंजिंग रॉड या वो 10 खंभे या वो 10 कॉलम बिल्कुल सीध में है और अगर आप भी उनके बिल्कुल सीध में है तो आपको सिर्फ पहला खंभा दिखाई देगा क्योंकि सबका साइज सेम है ना, क्योंकि और उसके जस्ट सारे जो खंभे हैं उसके पीछे छुप जाएंगे। अगर वो एक ही लाइन में है तो, और अगर वो एक ही लाइन में नहीं है तो उनमें से जितने एक लाइन में है वो आपको नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ आगे वाला दिखाई देगा और जो लाइन में नहीं है वो दिखाई देगा। ये बात समझ में आ गई? तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप और
लाइन ऑफ कोलिनेशन में डाउट नहीं होना चाहिए, ये दो अलग चीजें हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं एक और एक्सिस की, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। यानी कि जरूरी नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट हम जब पहले सेट करें तो हमारा इंस्ट्रूमेंट लेवल ही हो, उसको हमें लेवलिंग करना पड़ता है ट्राईपॉड की मदद से, ट्राईबाग की मदद से। तो लेकिन तब भी जो हमारा उसमें बबल ट्यूब दिया हुआ है, बबल ट्यूब कहने का मतलब एक गोल सा सर्कल है जिसमें पानी भर दिया है और कुछ थोड़ा सा छोड़ दिया है, दो एयर है, और वो एयर के ऊपर हमने उस अपना वर्टिकल जो बेलन की तरह एक हमने शीशे का वो बनाया है, उस पर हमने ग्राफिकल पॉइंट्स खींच दिए हैं, और हमें उससे आसानी होती है कि हम इंस्ट्रूमेंट को एग्जैक्टली लेवल कर सकें। लेकिन तब भी चाहे इंस्ट्रूमेंट लेवल हो या ना हो, अगर उस बबल लाइन से मिलाते हुए अगर हम एक इमेजिनरी लाइन बनाए तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लेवल ट्यूब या बबल लाइन का एक्सिस। तो हम चाहते ये हैं कि हमारा जो लेवल ट्यूब का या बबल लाइन का एक्सिस हो, वो हम अगर काम शुरू कर रहे हैं तो वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो, यानी 0-0 डिग्री एंगल पर हो, और अगर उसको ऊपर नीचे हमें सेट किया हुआ है तो वो 0-0 डिग्री पे सेट नहीं होगा। आगे चलते हैं, वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो चुका है। इसमें याद रखने वाली एमसीक्यू नाम से जो क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से, ये याद जरूर रखना है कि ट्रूनियन एक्सिस किसको बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोलते हैं। ये मैंने कई बार बता दिया है, ये गलती मत करना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस नाम से समझ में आ जाएगा, लेकिन ट्रूनियन एक्सिस भूल जाओगे। तो ये याद रखना है कि ट्रूनियन एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही ट्रूनियन एक्सिस बोलते हैं। अब देखो, बात करते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट की और टेम्पोरेरी एडजस्टमेंट की। परमानेंट एडजस्टमेंट मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट का कोलेब्रेशन या कैलिब्रेशन, कोलेब्रेशन गलत बोल दिया मैंने, कैलिब्रेशन ही बिगड़ गया, यानी इंस्ट्रूमेंट में ही गलती आ गई है। वो कंप्लीटली एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में नहीं है या वर्टिकल एक्सिस में नहीं है या रीडिंग गलत दे रहा है। तो ये तो जनरली क्या होता है, जिस बायर से हम इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, जैसे एमएल से हमने खरीदा या ट्रेम्बल से खरीदा या निकॉन से खरीदा, तो वो आके उनके इंजीनियर सेट करते हैं, लेकिन हमें भी पता होना चाहिए। हम जो जनरली यूज करते हैं हमेशा, वो क्या करते हैं, हम टेम्परेरी एडजस्टमेंट यूज करते हैं। परमानेंट एडजस्टमेंट कहने का मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट बन रहा है मैकेनिकली, जो उसकी इंजीनियरिंग है, जो जब वो बनाया कंपोजिशन हमने किया कि हमने सबसे पहले ट्राईबाक रखा, ट्राईबाक के ऊपर हमने लोअर प्लेट फिट किया, लोअर प्लेट के ऊपर अपर प्लेट फिट किया, फिर हमने टेलीस्कोप फिट किया, टेलीस्कोप के बगल में वर्टिकल सर्कल फिट किया, वो किस तरह से फिट होना है कि वो एक ही वर्टिकल एक्सिस में हो, एक ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हो, और बाकी सारी चीजें ये जिस तरह से हमने बनाया, ये उसको बोलेंगे परमानेंट एडजस्टमेंट। और इसमें हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमानेंट एडजस्टमेंट अगर गलत हो गया तो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग बार बार गलत आएगी और वो जल्दी से सही नहीं होगी हमसे। ठीक है, हम जो जनरली यूज करते हैं वो क्या करते हैं, टेम्पररी एडजस्टमेंट, लेकिन परमानेंट एडजस्टमेंट हमें समझना जरूरी है इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि परमानेंट एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है, कि द परमानेंट एडजस्टमेंट आर मेड टू स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल लाइंस ऑफ द थियोडोलाइट एंड वंस मेड दे लास्ट लॉन्ग फॉर लॉन्ग। मतलब जब वो बना रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तभी वो एक बार उसको हमने सेट कर दिया, और उसके बाद जब तक कितनी बार भी यूज करना है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट गिर नहीं रहा या कोई ऐसा मिस हैपनिंग नहीं हुई या फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो वो वैसे ही सेट रहता है, और हम बार बार सिर्फ टेम्पोररी एडजस्टमेंट करके उसको यूज करते हैं। और इसकी किसी भी प्रिसीजन, मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना महंगा है, ये एग्जैक्टली उसके परमानेंट एडजस्टमेंट पे ही डिपेंड करता है कि वो कितनी एक्यूरेसी से वो रीडिंग दे रहा है। जैसे कुछ कंपनियां, कुछ वेंडर्स हैं जो कि मान लो थियोडोलाइट का ही कंपनियों के आते हैं, तो उसमें इंडिया से या कहीं से भी अगर आप ऑनलाइन भी देखेंगे तो उसमें रेट में बहुत डिफरेंशिएशन होगा। वही सेम इंस्ट्रूमेंट आपको 10 लाख का भी मिलेगा, 5 लाख का भी मिलेगा, 2 लाख का भी मिलेगा। वो क्यों मिलता है कि उनका प्रिसीजन, यही वो परमानेंट एडजस्टमेंट अच्छा नहीं है। जैसे एमएल वगैरह ये सब एक वेल नोन कंपनी है, तो जब आप इससे रीडिंग लेंगे तो इससे आपको जिस एक्यूरेसी की वो बात कर रहे हैं, अगर वो वर्नियर की बात कर रहे हैं, तो आपको वही एक्यूरेसी मिलेगी, उसमें कम से कम एरर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने प्रिसीजन के साथ उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया है या सेट किया है या उसका परमानेंट एडजस्टमेंट किया हुआ है। जबकि जो दूसरी लोकल वेंडर्स हैं, लोकल कंपनियां हैं, उनके हो सकता है लोअर प्लेट या अपर प्लेट, तो
में फिक्सिंग में कमी हो, वर्टिकल एक्सिस एग्जैक्टली एक लाइन में ना हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एग्जैक्टली एक लाइन में ना हो, टेलीस्कोप बिल्कुल सीधा ही ना हो, टेढ़ा हो, तो ये क्या है, तुम्हारी हल्का सा भी माइन्यूट सेकेंड्स में भी जो अगर उसमें अलाइनमेंट आता है तो वो क्या है, गड़बड़ी करेगा। तो ये जो चीजें हैं ये हैं इंस्ट्रूमेंट के मैन्युफैक्चरिंग की, परमानेंट एडजस्टमेंट। इसमें होता क्या है, देखो, एडजस्टमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल्स, जैसे कि मैंने बात करी दो प्लेट है तुम्हारी, एक अपर प्लेट एक लोअर प्लेट, तो इनका जो एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस वो बिल्कुल एक ही सेंटर, यानी अगर मैं बात करूँ दो सर्कल का, तो दो सर्कल का जो सेंटर है एग्जैक्टली एक ही पॉइंट में मिलना चाहिए। यही वो कह रहा है, द एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस है एग्जैक्टली जरा सा भी माइन्यूट डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वहीं पे ड्रिल होके वहीं उसको फिट होना है, ठीक है। कॉलिमेशन एडजस्टमेंट, द लाइन ऑफ कॉलिमेशन शुड कॉइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप एंड द एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव स्लाइड एंड शुड बी एट द राइट एंगल्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये अब फिलहाल हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात कर रहा है कि टेलीस्कोप को भी बिल्कुल एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच से ही होके जाना चाहिए, जिससे एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप और लाइन ऑफ कॉलिमेशन जब हम सेट करें 0-0 पे दोनों ऑलमोस्ट मिल जाए। अब हम परमानेंट एडजस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सीधे बात करते हैं टेम्पोररी एडजस्टमेंट की। तो टेम्पोररी एडजस्टमेंट में तीन चीजें आती हैं, सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग। सेंटरिंग हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा स्टेशन मार्क है उसी स्टेशन मार्क के जस्ट ऊपर अगर हम अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं, किसकी मदद से, प्लम्ब बॉब की मदद से, या सा उसी को हिंदी में साहुल बोलते हैं, या फिर और अपडेटेड नए वाले इंस्ट्रूमेंट हैं तो ऑप्टिकल प्लमेट में हम, या लेजर लाइट के थ्रू हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उसी बेंच मार्क के या उसी स्टेशन मार्क के जस्ट ऊपर अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट सेट करना इज नोन एज सेंटरिंग। उसके बाद पहले, सबसे पहले ट्राईपॉड के नीचे जो तीन लेग्स हैं उन लेग्स की मदद से सबसे पहले हम एक उसको अप्रोक्सीमेट लेवलिंग करेंगे, यानी बबल जो हमारा है उसको सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो माइन्यूट डिफरेंस बच गया, थोड़ा बहुत जो इधर उधर उस सर्कल में हो गया, उसको एग्जैक्टली सेंटर कैसे लाएंगे, उस ट्राईपॉड ट्राई बाग के नीचे जो हमारे ट्राई स्क्रूज दिए हुए हैं उसको घुमा करके, और घुमाने का तरीका क्या था वो मैंने बता दिया था कि हर बार अंगूठे को क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमाना है, तो इस तरह से हम इसको लेवलिंग करेंगे। तो जितनी बार भी हमें इंस्ट्रूमेंट सेट करना है या एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना है, तीसरी जगह लेके जाना है, बार बार स्टेशन चेंज करना है, हमें यही ये तीन चीजें बार बार रिपीटेटिवली करनी होंगी, और इसको ही जल्दी जल्दी करना है। सबसे पहले सेंटरिंग करो, फिर लेवलिंग करो, और फिर टेलीस्कोप से देख के अपना काम स्टार्ट करो, यानी फोकसिंग करो। मेजरमेंट जो हमें लेना है हॉरिजॉन्टल एंगल्स के, उसके तीन मेथड है। पहला ऑर्डिनरी मेथड, रिपीटेशन मेथड, और फिर रिट्रेशन मेथड। कोई खास चीजें नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े नाम बता दिए हैं, सिर्फ थोड़ी ज्यादा एक्यूरेसी मिल जाए इसीलिए थोड़े अलग अलग मेथड्स हैं। ये सारी चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 9 से ही चीजें स्टार्ट है। अब एक एज अ इंस्ट्रूमेंट हमें वो देखना है, तो सबसे पहले ऑर्डिनरी मेथड की बात करते हैं कि कैसे करेंगे। एक मोटा मोटी पहले समझ लो कि सपोज करो यहाँ पे तुम्हारा स्टेशन मार्क है ओ, यहाँ पे एक ए पर तुम्हारा मान लो यूकेलिप्टस का एक पेड़ है, या कोई एक पिलर है, या कोई भी एक रेंजिंग रॉड है, या कुछ भी है। दूसरी जगह पे एक दूसरा पेड़ लगा हुआ है, तुमसे बोला जाए कि भाई अगर हम इस ओ पॉइंट से देखें तो ए और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है ये जरा हमें बताओ, हॉरिजॉन्टल एंगल। मतलब आप यहाँ खड़े हैं ओ पर, ए पर एक यूकेलिप्टस का एक ट्री है, बी पर यूकेलिप्टस का दूसरा ट्री है, तो अगर आपको कोई बोला जाए कि ऐसा बताओ कि ए और बी के बीच में कितना हॉरिजॉन्टल एंगल बनेगा अगर हम ओ से देखें, और किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से अगर हम इसको मेजर करें तो कितना होगा, तो यही तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट हो गया। और अगर हम इसको नॉर्मली थियोडोलाइट से मेजर करेंगे तो कैसे करना है देख लेते हैं। ऑर्डिनरी मेथड क्या है, जनरली अगर तुम्हें बोला जाए तो तुम क्या करते हो ऑर्डिनरी मेथड में, तुम कहते हैं कि ठीक है अगर हमारे पास कुछ नहीं है, छोटा वाला चांदा भी होता, या कोई भी ऐसे पुराने वाले इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो क्लिनोमीटर होता, या इस तरह के कोई भी इंस्ट्रूमेंट होते जैसे डायोफार्म होता, क्लिप्टोमर होता, ये सारी चीजें जो इसके पहले मैंने एंशियंट हिस्ट्री वाले में बता रहा था, डियोपात्रा क्या नाम था उसका, हाँ एंशियंट टाइम में वो यूज होता, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता। जनरल मेथड क्या है कि भाई
सबसे पहले हम अपना ओ पे इंस्ट्रूमेंट रखते, ए को देखते और यहाँ पे अपना 0-0 सेट कर लेते, और फिर टेलीस्कोप को घुमाते लोअर प्लेट को टाइट करके, या फिर कैसे भी ए को देख लेते, 0-0 सेट कर लेते और यहाँ पे एग्जैक्टली बी तक घुमाते, जितना एंगल बनता वो एंगल हम बता देते कि ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल एंगल है। तो इस बार भी ऑर्डिनरी मेथड है, इसीलिए बिल्कुल वही मेथड है, कुछ खास चीजें नहीं है, लंबी लंबी लाइनें लिखी हुई हैं, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। सेटअप द थियोडोलाइट एट द स्टेशन पॉइंट ओ एंड लेवल इट एक्यूरेटली। ठीक है, ए पर हमने एग्जैक्टली जो हमारा ए पॉइंट था उसके जस्ट ऊपर हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, जस्ट ऊपर सेट किया मतलब हमने क्या करी, सेंटरिंग कर दी। सेंटरिंग करने के बाद हमने उसकी लेवलिंग कर दी, लेवलिंग करने के बाद हमारी सेंटरिंग लेवलिंग हो गई, और अब ओ से ए को फोकसिंग करना है। तो वही वो दूसरे पॉइंट्स में कह रहा होगा, सेट द वर्नियर ए टू द 0 और 360। भाई एक ही बात है ना, अगर ए को देख रहे हो तुम 0 सेट करो या दूसरी तरफ से घुमा के 360 सेट देखो, दोनों ही एक ही चीज हुआ, 0 डिग्री या 3। क्योंकि अगर जरा सा भी आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, मान लो बिल्कुल सेकेंड्स की बात करते हैं, तो 0 डिग्री 0 मिनट 1 सेकेंड, 0 डिग्री 0 मिनट 2 सेकेंड, अगर ये आगे बढ़ रहे हो, और इसके जस्ट पीछे जाओगे तो क्या होगा, 359 डिग्री 59 मिनट 59 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड पीछे गए तो 359 डिग्री 59 मिनट 58 सेकेंड। ये बात समझ में आ रही है? तो इस वक्त ये चाहे तुम बोलो कि 0 डिग्री पे है या 360 डिग्री पे है, बात एक ही है। तो ये बोल रहा है कि ए पर तुम गए, और जैसे मैंने इंस्ट्रूमेंट दिखाया था तुम लोग को कि कैसे सेट करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हर बार ये मेथड एकदम रट लो और बहुत ही इजी है, इस बात को समझ लो। क्लैंप स्क्रू है, क्लैंप स्क्रू से क्या होता है, टाइट हो जाता है लोअर प्लेट या अपर प्लेट या वर्टिकल कोई भी चीज, तो हर जगह पे क्लैंप स्क्रू दिया हुआ है, लोअर प्लेट पे भी क्लैंप स्क्रू दिया हुआ है, अपर प्लेट पे भी क्लैंप स्क्रू दिया हुआ है, वर्टिकल सर्कल वाले पे भी क्लैंप स्क्रू दिया हुआ है। अभी मैं टेंजेंट स्क्रू की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लैंप स्क्रू की बात कर रहा हूँ। लोअर वाले प्लेट पे 0 से 360 डिग्री गुदा हुआ है, इनग्रेव्ड है, और उसके ऊपर अपर वाले प्लेट पे क्या है, एक जगह शीशा लगा हुआ था जहां से हमें रीडिंग पढ़नी है, और ऊपर ही वर्नियर का स्केल। तो भाई नीचे 0-0 जाके 0-0 वाले पे हमने सेट कर दिया, वर्नियर पे ऊपर 0-0 देखा, नीचे 0-0 जाके देखा, और हमने ए को देखा, और हमने सबसे पहले हमने टेलीस्कोप देखा ही नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, हमें अभी क्या करना है, हमें 0-0 पे सेट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लोअर प्लेट को टाइट करेंगे। अब लोअर प्लेट को तुमने टाइट कर दिया, देखो तुम्हारे दिमाग में, अब ये पीपीटी बिल्कुल मत देखो, सिर्फ दिमाग में टेलीस्कोप इमेजिन करो, तुमने अभी लोअर प्लेट को टाइट कर दिया, लोअर प्लेट को टाइट कर दिया मतलब अब लोअर प्लेट नहीं घूमेगी, और अपर प्लेट को तुम लूज कर दो, यानी लोअर प्लेट पर अपर प्लेट घूमेगी लेकिन लोअर प्लेट वहीं फिक्स रहेगी, और अपर प्लेट पे शीशा दिया हुआ है जिससे तुम्हें एंगल देखना है, तो अपर प्लेट को टेलीस्कोप को पूरा मतलब ये पूरे थियोडोलाइट को जब घुमा रहे हो इस वक्त वो नीचे से फिक्स है, लोअर प्लेट मूव नहीं कर रही है। ठीक है, जब पूरे जब थियोडोलाइट को घुमाए तो तुम क्या करे, 0-0 पे लाके उसको रोक दिए जब तुमको शीशे से दिख गया। ठीक है, अब जब तुम ऊपर से शीशे पे देख रहे हो तो अब क्या दिख रहा है तुम्हें, नीचे 0-0 डिग्री, यानी एग्जैक्ट तुम्हारा जो इधर उधर रीडिंग थी, अब तुम्हारा 0-0 पे थियोडोलाइट सेट है। अब तुम क्या करो, अपर प्लेट को टाइट कर दो, अपर हॉरिजॉन्टल प्लेट के क्लैंप स्क्रू को टाइट कर दिए। तो अब अगर तुम चाहो इसको हॉरिजॉन्टल में घुमाना, क्या घूमेगा, नहीं, क्योंकि तुमने तो अपर प्लेट भी टाइट कर दिया, लोअर प्लेट भी टाइट कर दिया, तो अब ये घूमेगा ही नहीं, अब तो ये फिक्स हो गया ना तुम्हारा थियोडोलाइट। अब तुम क्या करो, लोअर प्लेट को लूज करो, तो अब क्या होगा, अब जो तुम्हारा थियोडोलाइट घूमेगा वो लोअर प्लेट के साथ घूमेगा, यानी तुमने जो 0-0 डिग्री सेट कर दिया है वो 0-0 डिग्री नहीं बिगड़ने वाला। अब प्रोसीजर क्या है ये समझो, रैंडमली तुमने सबसे पहले एक कोई पॉइंट था स्टेशन मार्क, उसके जस्ट ऊपर तुमने थियोडोलाइट सेट कर दिया, उसको तुमने बोल दिया कि ये सेंटरिंग हो गई हमारी। उसके बाद तुमने ट्राईपॉड के 3 लेग्स की मदद से, फिर ट्राईबैक की मदद से तुमने उसको लेवलिंग कर दी, इंस्ट्रूमेंट को एग्जैक्टली लेवल कर दिया। अभी तुम्हें कहाँ रीडिंग लेनी है कहाँ नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, सबसे पहले तुमने क्या किया, जितने ये सेट सेट हो गए उसके बाद तुमने लोअर प्लेट को टाइट कर दिया, अपर प्लेट को लूज कर दिया, और घुमा करके लाके 0 पर
सेट करके तुमने अपर प्लेट को भी टाइट कर दिया। अब जब तुम लोअर प्लेट लूज करोगे तो लोअर प्लेट भी पूरे थियोडोलाइट के साथ साथ घूमेगी, यानी अब ये 0 डिग्री तुम्हारा बिगड़ने वाला नहीं है। तो हर वक्त पहला प्रोसीजर तुम्हारा इसमें क्या करना है कि पहले लोअर प्लेट को टाइट करना है और अपर प्लेट को लूज करना है, 0 0 डिग्री पे लाके सेट कर देना है। सेट हो गया, अब तुम्हें क्या करना है, ये जो ए वाला यानी पहला यूकेलिप्टस का या कोई दूसरा पेड़ है तुम्हें वहां जो देखना है, इस वक्त अभी जब तुम थियोडोलाइट घुमा रहे हो कौन सा प्लेट तुम्हारा लूज है, लोअर प्लेट लूज है और अपर प्लेट टाइट है और तुम 0 0 पे उसको पहले से ही सेट कर चुके हो। तो तुम 0 0 पे पहले से ही सेट कर चुके हो, तो तुमने ए को एग्जैक्टली साइट कर लिया और इस बार अब तुम्हें क्या करना है, फिर से लोअर प्लेट को टाइट कर दोगे। लोअर प्लेट को टाइट कर दोगे और अपर प्लेट टाइट है और तुम इस वक्त ए को देख रहे हो, और जब तुम रीडिंग में देख रहे हो तो नीचे क्या दिखाई दे रहा है, 0 0। अब तुम्हें लेना है हॉरिजॉन्टल एंगल, तो तुम क्या करोगे, अपर प्लेट को लूज करोगे। जब अपर प्लेट को लूज करोगे और इस बार जब थियोडोलाइट को घुमाओगे तो नीचे जो है रीडिंग बदलेगी। मान लो तुम क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो पहले वो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री ऐसे बढ़ती जाएगी। जैसे अगर हम बात करेंगे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, तो ये इसके क्लॉकवाइज ही घुमाना है। मान लो हमने यहाँ 0 डिग्री सेट कर दिया, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, तो यहाँ 10 डिग्री, यहाँ 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, एग्जैक्टली जब बी पर आएंगे तो बी पर आके हम अपर प्लेट के जो क्लैंप स्क्रू है उसको टाइट कर देंगे। रीडिंग अभी नहीं लेनी है, क्यों नहीं लेनी है, अब रोल आता है तुम्हारे टेंजेंट स्क्रू का, और इस टेंजेंट स्क्रू को तुम समझ जाओगे। अभी तुम्हारे हाथ की घड़ी जो होती है उसमें 3 सुइयां होती हैं, आवर्स वाले इसके मतलब आवर्स वाला जो तुम्हारा है, फिर मिनट्स वाला है और सेकेंड्स वाले हैं, 3 सुइयां हैं तुम्हारे, 3 मिनट। अगर तुम्हें मान लो 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा, तुम्हारे घंटे में घड़ी को मैचिंग करानी है, घड़ी आगे पीछे हो गई है, तो तुम उस कांटे को खींचते हो और डायरेक्टली आवर्स के जो तुम्हारे नीडल है डायरेक्टली उसको मूव कराते हो, और तुम्हारी घड़ी मान लो 7 8 बजना था लेकिन वो 7 बज रहा है, तुम उसको घुमा करके 360 डिग्री उसको 8 बजा दिए, तो वापस से सेट कर दिए। लेकिन अगर सपोज करो कि वो जो तुम्हारी आवर्स वाली सुई है वो तुम्हें सेकेंड मतलब बहुत ही माइन्यूट हल्का सा आगे पीछे करना है, तब तुम क्या करोगे, तुम सेकेंड वाली जो सुई है, सेकेंड वाली जो नीडल है उसको घुमाओगे। तो तुम देखोगे जब सेकेंड वाली नीडल को घुमाने पर वो आवर्स वाली जो नीडल है वो थोड़ा सा आगे पीछे होगी। यही रोल है टेंजेंट स्क्रू का बिल्कुल, कि अब तुमने क्लैंप स्क्रू तो टाइट कर दिया, लेकिन मान लो उस पेड़ पर हम एक बड़ा सा क्रॉस बनाकर आ जाएं और बोलें कि भाई इस क्रॉस का जो बीच वाला पॉइंट है एग्जैक्टली तुम वही देखो, तो तुम अगर वापस से अपर क्लैंप को ढीला कर दोगे और टेलीस्कोप को इधर उधर मूव कराओगे तो बार बार करते ही रहोगे, बड़ा दिक्कत होगी, देख नहीं पाओगे, वो जरा सा भी हिला तो वो पॉइंट गया। तो हम उस क्रॉस के आसपास लाके क्लैंप को टाइट कर देंगे और अब ये सेकेंड वाली सुई के हिसाब, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया वैसे ही टेंजेंट स्क्रू को मूव कराएंगे। तो जब टेंजेंट स्क्रू को हम मूव कराते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा या तो हॉरिजॉन्टल आगे दाएं या बाएं, और अगर वर्टिकल टेंजेंट कराएंगे तो थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, हल्का हल्का मूव करेगा। तो इस हिसाब से हम एग्जैक्टली वो जो हमने पेड़ पर क्रॉस बनाया है उसके सेंटर पॉइंट को हम देख लेंगे, और जब हम उसके सेंटर पॉइंट को देख लेंगे यानी लाइन ऑफ कॉलिमेशन में वो मिल गया, उसके बाद हम रीडिंग लेंगे। ये सारी कहानी जो इतनी बड़ी बड़ी अभी आगे लिखी होगी ये यही बात बताएंगे। अब इसको मैं पढ़ देता हूँ तुमको और भी ज्यादा समझ में आएगा। सेट द वर्नियर एट ए टू द 0 और 360 ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड टाइटन द अपर क्लैंप। ठीक है, वही बात कह रहा है कि अपर क्लैंप को टाइट कर दिया, ठीक है, लूज इन द लोअर क्लैंप। देखो अब 0 पे सेट हो चुका है तो अब हम लोअर लूज को लूज करेंगे लोअर क्लैंप को, क्योंकि हमारा 0 0 डिग्री नापे के लिए। और टर्न द इंस्ट्रूमेंट एंड डायरेक्ट द टेलीस्कोप टुवर्ड्स ए टू बाइसेक्ट इट एक्यूरेटली विद द यूज ऑफ टेंजेंट स्क्रू। यानी ए पे सबसे पहले हम चले गए, अब एकदम एक्यूरेसी के लिए हम क्या टेंजेंट स्क्रू का इस्तेमाल कर लेंगे। आफ्टर द बाइसेक्टिंग एक्यूरेटली चेक द रीडिंग विच मस्ट स्टिल रीड 0। एक बार फिर से रीडिंग देख लेंगे कि भाई 0 बिगड़ तो नहीं गया, 0 है ही। फिर रीड द वर्नियर बी एंड रिकॉर्ड बोथ रीडिंग। दो वर्नियर दिए हुए हैं एक्यूरेसी के लिए, तो मैं वहां पर भी मैंने इंस्ट्रूमेंट अगर याद होगा तो याद दिखाया था, एक इधर की तरफ से था एक उधर की तरफ से था, तो एक ए देख लो एक बी देख लो।
अगर ए पे तुम्हारा जीरो है तो उधर की तरफ 180 होना चाहिए एग्जैक्ट, क्योंकि पूरा तो 360 डिग्री का एंगल है, तो अगर जोड़ा भी इधर उधर है तो थोड़ी सी दिक्कत है। लूजन द अपर क्लैंप एंड टर्न द टेलीस्कोप क्लॉकवाइज अंटिल द लाइन ऑफ साइट बाइसेक्ट पॉइंट बी ऑन द राइट हैंड साइड, देन टाइटन द अपर क्लैंप। बताया था मैंने, अपर क्लैंप को टाइट कर देंगे एंड बाइसेक्ट इट एक्यूरेटली बाय टर्निंग इट्स टेंजेंट स्क्रू। ठीक है, एग्जैक्ट टेंजेंट स्क्रू से एकदम एक्यूरेसी पे जाकर हम उसको टाइट कर देंगे और बाइसेक्ट कर लेंगे। रीड बोथ वर्नियर्स, द रीडिंग ऑफ द वर्नियर ए विच वॉज इनिशियली सेट एट जीरो गिव द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ बी। भाई यहाँ पे हमने 0 0 सेट कर लिया था, जितना इधर घुमाया वो इसका एंगल हो गया। और अगर दूसरी रीडिंग लेनी है तो उसको बाय डिडक्टिंग 180 डिग्री। भाई दूसरा, अगर अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये एक तरफ वाली रीडिंग 45 डिग्री है और ये इधर से इधर की तरफ 180 है, तो उसको उसमें से माइनस कर दो, वो भी उतनी ही रीडिंग देगा। सारी चीजें बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री वाली चीजें हैं, कोई तो बहुत बड़ी चीजें नहीं है, और ऑर्डिनरी मेथड है। दूसरे मेथड की बात करते हैं हम सीधे रिपीटेशन के मेथड की। इसमें सिर्फ दो बातें याद रखनी है। रिपीटेशन में क्या करना है, हमें चाहिए ज्यादा एक्यूरेसी, एक बार से हमें संतुष्टि नहीं मिल रही, तो हमने क्या करना है, पहले ओ से ए को 0 0 पे सेट किए और बी पे एंगल ले लिए, फिर बी से ए पे एंगल ले लिए, ए से फिर बी पे एंगल ले लिए, बी से फिर ए पे एंगल ले लिए, और उसको जितनी टाइम्स हमने किया उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमें ज्यादा एक्यूरेसी मिल जाएगी। लेकिन अब इसमें बात समझना, ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा नंबर ऑफ रिपीटेशन लेंगे तो आपको ज्यादा एक्यूरेसी मिल जाएगी, उसकी एक लिमिट है। जनरली जो है टोटल 3 टाइम्स, मतलब ए से बी की ओर 3 बार और बी से ए की ओर 3 बार, ये मैक्सिमम एक एडिक्वेट लिमिट है, क्योंकि इससे ज्यादा लोगे तो हो सकता है कि एक्यूरेसी और बिगड़ जाए, क्योंकि भाई जितनी बार रीडिंग लोगे उतनी बार वो टेलीस्कोप हिलेगा, उतनी बार तुम्हारी एक्यूरेसी में गड़बड़ आएगी या रीडिंग में गड़बड़ आएगी। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि एक छोटी गलती हो गई, फिर एक और छोटी गलती हो गई, फिर एक और छोटी गलती हो गई, ये गलतियां मिला के तो एक बड़ी गलती बन जाएगी, यानी एक रीडिंग और खराब हो जाएगी। तो एक दो या तीन इटरेशन तक जो है रिपीटेशन लेकर उसका एवरेज निकाल दें तो वो एक्यूरेट है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के लिए तुम सोचो कि भाई कई बार अगर हम उसका रिपीटेटली करें तो वो एक्यूरेसी नहीं देगा। जैसे कि तुम्हें याद होगा कि कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री में टेस्ट किए होंगे तो 3 सैंपल की टेस्टिंग करते थे, यहाँ पे भी वही चीज है। जिसको एक स्पेसिमेन बोलो, अगर एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन होते हैं, यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही है। तो रिपीटेशन में क्या करते हैं, मेथड क्या है भाई, ओ से ए पे 0 को सेट कर लेते हैं और फिर बी को देखते हैं कुछ एक एंगल आया, मान लो अगर ये एंगल 45 डिग्री आया, फिर 20 से, और इसको वापस से 0 हमें सेट नहीं करना है, ये याद रखना कि हम बार बार 0 नहीं सेट करेंगे, हमने ओ से ए पर एक बार ही सिर्फ 0 सेट करा है। जब हम ए से, मान लो सपोज करो ये 45 डिग्री ही है, तो जब हम ओ से ए पर देखिए 0 है, बी पे देखिए 45 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड, ठीक है, बी से ए को देखेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड, फिर ए से बी को देखेंगे कितना होगा, 135 डिग्री 0 डिग्री 0 मिनट, बी से फिर ए को देखेंगे कितना होगा, 180 डिग्री। बात समझ में आई? तो जितने नंबर ऑफ रिपीटेशन, मान लो 6 नंबर ऑफ रिपीटेशन लिए, तो ये टोटल कितना हो गया, 45 × 6। अंडरस्टूड? तो ये है, तो देखो इसमें लिख रहा है दिस मेथड इज यूज्ड फॉर वेरी एक्यूरेट वर्क। सही बात है, लेकिन ये मैंने बताया था कि ज्यादा रिपीटेशन भी नहीं करना है। इन दिस मेथड द सेम एंगल इज एडेड सेवरल टाइम्स। जैसे मैंने बताया, बार बार 0 सेट नहीं करना, सिर्फ एक बार 0 सेट करना है। एंड करेक्ट वैल्यू ऑफ द सिंगल इज ऑब्टेंड बाय डिवाइडिंग द एक्यूमुलेटेड रीडिंग बाय द नंबर ऑफ रिपीटेशन। वही चीज है भाई, 6 बार आपने रीडिंग ली है तो डिवाइड बाय 6 कर दीजिए। द नंबर ऑफ रिपीटेशन मेड यूजली इन दिस मेथड इज 6, 3 विद द फेस लेफ्ट एंड 3 विद द फेस राइट। इन दिस वे एंगल्स कैन नॉट बी मेजर टू अ फिंगर फाइनल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी देन दैट ऑब्टेनेबल विद द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर। ठीक, ये है आपका रिपीटेशन मेथड।
मेथड में भी वही बताएगा कि पहले ये अपर क्लैंप टाइट कर दो, लोअर क्लैंप लूज कर दो, फिर टेंजेंट कर दो, वो सारा मेथड वही चीजें हैं। बेसिकली हमें ऐसा समझना है कि अभी मान लो 45 डिग्री नहीं लेते हैं, 45 डिग्री 10 मिनट 10 सेकंड लेते हैं और एक्यूरेसी के लिए। तो जैसे मान लो हमने ओए पे जब अपना 0 डिग्री सेट कर दिया थियोडोलाइट में, जब बी से देखा टेंजेंट स्क्रू वगैरह सब कुछ करने के बाद देखा, तो एक एंगल हमें मिला 45 डिग्री 10 मिनट 10 सेकंड। ठीक है, अब जब हम बी से वापस ए को देखेंगे तो हमें कितना एंगल मिलेगा, वो मिलेगा 90 डिग्री 20 मिनट 20 सेकंड। वापस ए से बी को देखेंगे तो कितना मिलेगा, 135 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड, उतना ही एग्जैक्टली उसमें जुड़ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये अब इसमें, और अगर जैसे मान लो 3 रीडिंग हमने ले ली और डिवाइड बाई 3 करें तो कितना आया एग्जैक्टली, 45 डिग्री 10 मिनट 10 सेकंड। लेकिन जब प्रैक्टिकली आप साइट पे करेंगे तो होगा क्या, जब आपने ओ ए पे तो 0 0 सेट कर दिया और आपने बी की रीडिंग ली, पहली बार तो आया 45 डिग्री 10 मिनट 10 सेकंड। ठीक है, लेकिन जब वापस से आप ए को देखोगे तो जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री 20 मिनट 20 सेकंड आए, हो सकता है कि वो 90 डिग्री 20 मिनट ही पे रुक जाए, 20 सेकंड ना आए। और वापस से ए को बी पे देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो 135 डिग्री देन आपका 30 मिनट और उसमें 10 सेकंड और ऐड करके आए, तो 3 रीडिंग हो जाएगी। लेकिन जब हम आप डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो एवरेजली वो थोड़ा बहुत ही एक्यूरेसी जो जो गलती रहेगी उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि 3 बार हमने रिपीटेटिवली ले लिया और 3 से डिवाइड कर दिया तो वो मोर एक्यूरेसी दे देगा। कुल मिला के यही है रिपीटेशन मेथड। बाकी ये सारी कहानी वैसे ही लिखी है। अब हम बात करते हैं रिट्रेशन मेथड की, क्या है रिट्रेशन मेथड। ये भी और काफी प्रिसाइज है, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है हमारा होल सर्कल डियरिंग वाला, कि भाई इधर से 45 डिग्री है तो अगर 360 डिग्री में माइनस कर दें तो कितना होना चाहिए, वही चीज है 315 डिग्री। ये कुल मिला के वैसे ही है कि अगर एक क्लोज ट्रेवर्स है और एक गोले में घूम रहे हैं तो एट द एंड जो है पहले वाले पॉइंट पे ही हमें मिलना चाहिए। ये सर्कल बना है, इससे तुम्हें कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा। तो रिट्रेशन मेथड में क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। दिस मेथड इज अनदर प्रिसाइज एंड कंपेरेटिवली लेस टेडियस मेथड ऑफ द मेजरिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल्स। अच्छा, ये तीनों मेथड हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल की भी बात कर रहे हैं, हर जगह हमने बताया कि हॉरिजॉन्टल एंगल में ही ये रिट्रेशन मेथड, रिपीटेशन मेथड और ऑर्डिनरी मेथड हम यूज कर रहे हैं। इट इज जनरली प्रिफर्ड व्हेन अ सेवरल एंगल्स आर टू बी मेजर्ड। एक ही पॉइंट से कई सारे पॉइंट्स पे एंगल मेजर करने हैं जल्दी जल्दी जल्दी, तो हम जनरली रिट्रेशन मेथड हम यूज करते हैं। दिस मेथड कंसिस्ट इन अ मेजरिंग सेवरल एंगल्स सक्सेसिवली एंड फाइनली क्लोजिंग द होरिजन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। भाई हमने ए से स्टार्ट किया, ए से बी का कुछ फलाना एंगल, फिर बी से सी का कुछ एंगल, मतलब बी से डी का एंगल, फिर डी से सी का एंगल और सी से ए का एंगल। तो हम ये देखते हैं कि फाइनली ये कुल मिला के 360 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, यही है। यहाँ पे उसको आगे भी देख लेते हैं। सपोज इट इज रिक्वायर्ड टू मेजर द एंगल्स ए ओ बी। कहाँ है भैया ए ओ बी, ये रहा, ए ओ बी मेजर करना है, बी ओ सी मेजर करना है, बी ओ सी कहाँ है भाई, ये रहा बी ओ सी, ठीक है, सी ओ डी भी मेजर करना है, सी ओ डी, अच्छा ये भी मेजर करना है, ठीक है, और बी ओ सी, बी ओ सी, ठीक है, एक क्रम में नहीं चला ये, मतलब ये बोल रहा है कि ए ओ बी मान लीजिए एंगल आपको मेजर करना है, बी ओ डी करना है, सी ओ डी करना है और सी ओ बी करना है, इस तरह के बीच के एंगल आपको करने हैं। देन मेजर दीस एंगल्स बाई रिपीटेशन मेथड, सेटअप द इंस्ट्रूमेंट ओवर ए स्टेशन पॉइंट और ओ एंड लेवल टेकर। ठीक है, ए पर हमने अपना सेंटरिंग कर दी, लेवलिंग कर दी, और उसके बाद क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट द टेलीस्कोप टूवर्ड्स पॉइंट ए विच इज नोन एज अ रेफरिंग ऑब्जेक्ट। सबसे किसी एक पॉइंट को रेफरिंग ऑब्जेक्ट मान लेंगे जहां हमें 0 0 डिग्री सेट करना है। ठीक है, हमें मान लो ए को ही लेकर चलते हैं, तो हमने ए पर टेलीस्कोप घुमाया और इसको 0 0 सेट कर दिया, और अब हमने अपर प्लेट को टाइट कर दिया, नहीं फिर हमने सॉरी अपर प्लेट को लूज कर दिया और लोअर प्लेट टाइट कर दिया। अब जब लोअर प्लेट हमारा टाइट है तो नीचे वाला सर्कल थियोडोलाइट का नहीं घूमेगा, और अब जब टेलीस्कोप घूमेगा तो वो एंगल देगा,
देन लूजन द लोअर क्लैंप एंड टर्न द टेलीस्कोप क्लॉकवाइज, साइड पॉइंट बी एग्जैक्टली, रीड द वर्नियर अगेन एंड द मीन रीडिंग विल गिव द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है सर, जी जो मेन चीजों पे आते हैं जो बताना चाह रहा हूं मैं, हाँ देखो चारों तरफ से ऐसे हमने मान लो ये रीडिंग ले ली, ए पे 0 पे सेट किया था हमने, बी की रीडिंग ले ली, फिर हमने आगे जाके बी और डी के बी ओ डी की रीडिंग ले ली, हमने फिर सी ओ डी की रीडिंग ले ली, लेकिन एट द एंड जब हम वापस यहाँ पे आएंगे, अगर हम पूरा घुमा करके आ रहे हैं और हमने 0 से स्टार्ट किया था, तो हमको 0 पे ही मिलना चाहिए था, और अगर नहीं आता है तो वो क्या है, एरर बोलते हैं। तो यही वो बोल रहा है कि फाइनली क्लोज द होरिजन बाय साइटिंग टुवर्ड्स द रेफरिंग ऑब्जेक्ट, वापस से ए को देखें तो वर्नियर ए शुड नाउ रीड 360 डिग्री या 0 डिग्री, बात वही है। इफ नॉट नोट डाउन द एरर, दिस एरर अकर्स ड्यू टू द स्लिप, थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का घूम गया वो थियोडोलाइट, उसकी वजह से ये एरर आ चुका है। इफ द एरर इज स्मॉल इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द सेवरल एंगल्स, एंड इफ द लार्ज द रीडिंग शुड बी डिस्कार्डेड एंड अ न्यू सेट ऑफ रीडिंग। अगर हल्का फुल्का एरर है कुछ मिनट्स का, तो वो बराबर बराबर सब में बांट देंगे ताकि वो थोड़ा सा एरर कम हो जाए, लेकिन अगर बड़ा एरर हो गया तो हमें फिर से पूरी रीडिंग लेनी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं वर्टिकल एंगल कैसे मेजर करना है। इसके पहले एक और, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एंगल का हो गया, वर्टिकल एंगल अब कैसे मेजर करते हैं उसके बाद देख लेते हैं। अ वर्टिकल एंगल इज एन एंगल बिटवीन द इंक्लूडेड लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल, इट मे बी एन एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट इज अबव बिलो। ठीक, देखिए ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन है, या इसको आप एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी प्लेन माने। अगर टेलीस्कोप से ये आपका ओ पे मान लीजिए आपका आई पीस है, अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ आपका टेलीस्कोप मूव करा के कोई एंगल ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो डिप्रेशन है कि नीचे की तरफ जा रहा है, और अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की ओर आप कोई एंगल ले रहे हैं तो वो एलिवेशन होगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज खास बताने वाली नहीं थी, लेकिन ये वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेलीस्कोप हमेशा मैंने बताया था ऊपर की तरफ, जो हमारा वर्टिकल सर्कल लगा हुआ है टेलीस्कोप के बगल में, टेलीस्कोप का इनिशियल रीडिंग क्या था, वर्टिकल, जो ऐसे खड़ा हुआ है ये टेलीस्कोप, तो ऊपर 0 0 यानी लेंस, आई लेंस जहां से हम देखते हैं वो नीचे की ओर और ऑब्जेक्ट ग्लास ऊपर की ओर, इस तरह से अगर एग्जैक्टली वर्टिकली टेलीस्कोप रखा हुआ है तो ये अभी अपनी इनिशियल रीडिंग 0 0 पर है। उसके बाद टेलीस्कोप को आप जब मूव कराते हैं क्लॉकवाइज, जितना मूव कराएंगे वो उतना एंगल देगा, यानी यहाँ पे जो वाई एक्सिस की बात करें तो वाई पे 0 0 है। अब वाई से ए जितना नीचे आए ये हो गया हमारा एंगल, ठीक है पहला, फिर बी कुछ दूसरा एंगल, ये है तो वर्टिकल सर्कल में वो हम देख लेंगे। किसी दो पॉइंट्स जैसे मान लो ताजमहल की हमें हाइट निकालनी है, और ताजमहल के ऊपर तो खड़े होके अब हम टेप से हाइट निकालेंगे नहीं, तो सिंपल अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी हो कि भाई कि ताजमहल से कुछ दूरी पर आपने अपना थियोडोलाइट सेट कर दिया, वो चेनिंग करके या टेपिंग करके आपने निकाल लिया कि भाई इस ताजमहल के इस पॉइंट से लगभग हम इतनी दूर खड़े हैं, तो आपको क्या मिल गया, बेस। और अगर आपको मैं बोलूं कि अब भाई ताजमहल की हाइट बताओ, तो तुम क्या करोगे, ताजमहल का बेस का एंगल 0 0 सेट कर लोगे, और जो ताजमहल के ऊपर कुतुब वाला पार्ट है डोम स्ट्रक्चर, उसका टॉप पॉइंट को टेलीस्कोप से साइट करोगे, जो तुम्हें वर्टिकल एंगल मिला मान लो 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी उस हिसाब से तुम उसकी हाइट निकाल लोगे। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पढ़ा है ना बचपन में क्लास 9th 10th में, तुम्हें बेस पता है, तुम्हें एंगल पता है, तुम हाइट निकाल लोगे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में। तो जो क्वेश्चंस जो हम करते थे जिसमें हमें
वो एंगल्स दिए होते थे, तो वो हमें एंगल मेजर भी तो करना है, और मेजर कैसे करेंगे, थियोडोलाइट की मदद से करेंगे। जैसे वाटर हाउस में तुमने देखा होगा कि हार्बर्स या डॉक्स पे समुद्र में लाइट हाउस बने होते हैं काफी ऊंचे ऊंचे। तो अगर तुम्हें मैं बोलूं कि इस लाइट हाउस की ऊंचाई बताओ, तो क्या तुम समुद्र में तैर करके या बोट लेके जाओगे और उस लाइट हाउस के ऊपर जाके टेप लटकाओगे तो बताओगे मुझे कि लाइट हाउस इतना ऊंचा है, या फिर समुद्र के किनारे से ही तुमने लाइट हाउस की दूरी नाप ली लेजर लाइट से या किसी भी चीजों से, या मान लो चेनिंग ही कर ली और उसके बाद तुमने लाइट हाउस वहां पे अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करा, पहले 0-0 पे बेस पे सेट करा और ऊपर उसका जो लाइट हाउस का अपर कॉर्नर वाला पॉइंट है वो देखा, बाइसेक्ट किया और वर्टिकल एंगल निकल करके आ गया, मान लो 60 डिग्री या 30 डिग्री या फिर मान लो 70 डिग्री, ऐसा कोई एक एंगल आ गया। तुम्हें टेन थीटा इज इक्वल टू पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तुमने बेस पर चेनिंग कर ली है जो कि पॉसिबल था आसानी से, तुम्हें एंगल पता हो गया है तो तुम परपेंडिकुलर निकाल लोगे यानी उस लाइट हाउस की हाइट निकाल लोगे। तो इन सब चीजों में किसका रोल आया, वर्टिकल एंगल का। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट अब यूज कर सकते हैं हमारे पास, क्या है वो है थियोडोलाइट। पहले किसी एक जगह पे उसको पॉइंट को 0-0 सेट कर दो, ऊपर एंगल अपने आप दे देगा। तो वही चीजें हैं। अब मैग्नेटिक बियरिंग तुम पहले से ही पढ़ चुके हो, मैग्नेटिक बियरिंग की मदद से भी हम हॉरिजॉन्टल एंगल निकालते हैं जो हमने कंपास से निकाला हुआ था, कि पहले हमेशा जो मैग्नेटिक बियरिंग में पहले वो सेट रहता है वो सुई किधर की तरफ रहेगा, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ दिखेगा। जीरो तुमने वहीं पे तरफ सुई कर दिया कंपास को, तो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में तो तुम सेट कर दिया, तुमने उसको 0-0 माना। उसके बाद कोई भी कंपास के वो जो आई आई साइट वाले पॉइंट से तुमने देखा वो तुम्हारा उतना एंगल हो जाएगा। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। इसके बाद इसमें जो चीजें बची हैं वो एक और लेक्चर में कवर करके ये थियोडोलाइट वाला पार्ट, ये यूनिट कवर हो जाएगी। ठीक है, बाकी थियोडोलाइट तुम्हारे दिमाग में, वो इंस्ट्रूमेंट जो मैंने 10 मिनट का दिया है वो कई बार देखना, ताकि इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे दिमाग में हो तभी ये बातें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं है तो ये मैं फिर इमेजिन नहीं करवा सकता तुम्हें, जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और उसके लिए मैं कुछ खास कर नहीं पाऊंगा क्योंकि ये कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, ये कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सब्जेक्ट है।